राजनीति का अखाड़ा बन गया नगर निगम, एक तरफ शांति सभा तो दूसरी ओर कर्मचारी लामबंद। नगर पालिक निगम रीवा में विवाद की कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। गायों को दफनाने का विवाद शांत होने की बजाय लगातार नए नए मामलों को जन्म देता जा रहा है। कर्मचारियों के साथ कांग्रेस पार्षदों का विवाद और तोल पकड़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने अपने तेवर बदलते हुए गायों की मौतों के मामले को लेकर शांति सभा का आयोजन किया, तो दूसरी ओर इस शांति सभा को फ्लॉप करने के उद्देश्य से कर्मचारियों ने रैली निकाली, आयुक्त संभाग रीवा को ज्ञापन सौंपा तथा आरोपी पार्षदों को जेल भेजने व निर्वाचन शून्य करने की मांग कर डाली। हम आपको बता दें कि एक पखवाड़े पहले नगर निगम परिसर में गाय दफनाने का मामला काफ़ी चर्चित हुआ था। इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने जमकर हंगामा किया था, जिसमें एक अधिकारी समेत 5 कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। इसके बाद नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ और कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्षदों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने मारपीट की तथा कागज फाड़े। दोनों पक्षों यानी कि पार्षदों और कर्मचारियों की ओर से थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। बाद में कांग्रेस पार्षदों के पक्ष में विधायक सुंदरलाल तिवारी भी सामने आए और उन्होंने इस मामले में SP को आड़े हाथों लिया। आज कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए तथा पुराने घटनाक्रमों को याद दिलाने के उद्देश्य से मृत गायों को श्रद्धांजलि देने शांति सभा कर डाली। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय मंत्री और उनके PA राजेश पांडे पर जमकर निशाना साधा। आरोप तो यह तक लगा दिए गए कि सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। एक खास बात और बता दें कि शांति सभा के लिए नगर निगम परिसर की जगह देने से आयुक्त नगर निगम ने इनकार कर दिया था, फलस्वरूप कांग्रेसियों को रानीगंज की गली में सभा करनी पड़ी। इस दौरान कांग्रेसियों ने कर्मचारियों को भी निशाना बनाते हुए चेता दिया कि 3 महीने बाद उन्हीं की सरकार बनेगी, इसलिए वो किसी की कठपुतली ना बने। इधर कर्मचारियों ने भी कांग्रेसी पार्षदों के खिलाफ अभियान तेज करने का दिन आज ही रख दिया। सुबह से कर्मचारी एकत्र हो गए और पहले नगर निगम गेट में सभा की और बाद में रैली निकालकर संभागायुक्त को रीवा ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कांग्रेसी पार्षदों पर आरोप लगाते हुए मांग की कि ऐसे पार्षदों का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए तथा उनकी गिरफ्तारी की जाए। कुल मिलाकर नगर पालिक निगम इन दिनों चर्चाओं में है। विवाद के क्रम घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। एक ओर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी ओर कर्मचारियों ने। इन दोनों के बीच जनता का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने एक बार फिर जनता की ही बलि चढ़ने वाली है और नगर निगम परिसर राजनीतिक अखाड़े के रूप में पूरी तरह से तब्दील होता जा रहा है। हमारे ऑफिस में 20 तारीख को 2 पार्षदों द्वारा हमारे अधिकारियों को गाली दिया गया, हमारे कर्मचारियों को गाली दिया गया है और हमारे शासकीय अभिलेख छीने गए हैं, जिसके संबंध में हमने FIR दर्ज कराया है। थाने में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज है और इनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। साथ में इनके द्वारा आए दिन हम लोग धमकी भी दी जा रही है कि अपने केस वापस कर लो। और उधर अजय मिश्रा बाबा ने हमारे कर्मचारी संघ को बताया, महापौर से और अध्यक्ष से बता रहे थे कि डैडू 3 माह का सजाए आपकी पार्षद है, इससे मत भिड़ो। हम चाहते हैं कि उसके भी रिकॉर्ड निकाल के यदि सजाए आपता है तो उसकी पार्षदी भंग की जाए। कमिश्नर साहब से क्या मांग है? क्योंकि पार्षदी भंग करने का अधिकार रेवेन्यू कमिश्नर को है, इसलिए हम रेवेन्यू कमिश्नर के पास आए हैं कि इन दोनों पार्षदों की पार्षदी शून्य की जाए। मेरा कथन सिर्फ इतना है कि ये पार्षद जो है बाबा डैडू पार्षद, इनने हमारे कर्मचारी खुशीनंद खरे का वो रिकॉर्ड छुड़ा लिया था। मैं जितनी बार निवेदन किया कि आप रिकॉर्ड दे दो, बोले नहीं देंगे हम, तो हमने समझा कि इसकी रजिस्टर चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, नेतागिरी भी। तब मैंने CSP साहब को फ़ोन किया था, CSP साहब उस समय मीटिंग में थे, उनने फिर हमको कॉल किया तो बताया कि ऐसा संभव है। कौन सी बनी है? CD इसी की सबकी पूरी बनी है, पूरी मीडिया थी, पूरी मीडिया के सामने उनने सौंपा है रिकॉर्ड। जब पहले बोल रहे थे महापौर के पास है, फिर जब CSP ने कहा कि चूंकि रिकॉर्ड आपने कर्मचारी से लिया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, तो बाबा जो है प्रतिपक्ष नेता और डैडू उसको हाथ पे सौंपे हैं, मेरा पूरा कर्मचारी रहता है। ठीक है, तो इधर देखिए जी, रिकॉर्ड किसने फाड़ा? रिकॉर्ड छुड़ाया है उसने, डैडू ने। हजार नहीं करो, देवता होते हैं और इस संदेश गौ माता ही
मंदिर से पहले और मंदिर के बाद भी अपनी नैया पाल लगाती है। मंदिर सभा